okay so this process of fusion of male and the female gamete take care. what is this process known as Hello हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग सब कैसे हैं आई बिलीव दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट उम्मीद डूंगीद कि आप लोग बहुत खुश हैं एंड वेल हम भी खुश हैं और हमारी खुशी का रीजन आपको जल्द ही बताया जाएगा उससे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल टू आर वेरी ओन चैनल दैट इज बेसिक्स और खुशी का रीजन क्या है येस वी हैव एट लास्ट स्टार्टेड दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर थ्री ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आई गेस दैट यू ऑल कैन रिलेट बिकॉज वी ऑल हैव वेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेज अपन अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बी वी वर व्हाट अ फेटस व्हिच वास इनसाइड दी मदर्स वुम राइट व्हिच वास अटैच्ड टू दी मदर विद हेल्प ऑफ दी अम्लिकल कॉर्ड प्लांसेंट बहुत कुछ चीजें जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यू विल बी क्वाइट अमेज़ड टू नो दैट ठीक है और ये वाला जो सेशन होगा बच्चा लोग इट विल बी छोटा खत्म कर लेंगे पर बहुत अच्छी तरीके से तो हो सकता है वन शॉर्ट वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट इन वन पर्टिकुलर सेशन सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस है ना ताकि एक सेशन में आप पढ़ सको ओके okay, जैसा मैंने बताया था ये सेशन छोटा सा होगा और यहां पे अपन बस इतनो सा पोर्शन जो है वो कवर करेंगे ठीक है इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको रिप्रोडक्शन के बारे में चलो फिर शुरू करते हैं राइट सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज गेमीशन जस्टेशन पॉर्चुरशन नाम सुन के एकदम घबराना नहीं इट इज वेरी इजी एक ही करके अपन सब जो है पढ़ते 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 पढ़ते, पढ़ते जाएंगे ठीक है सो वॉट डू यू मीन बाई गेमीटो बच्चा लोग गेमीटो जेनेसिस मतलब क्या होता है तोड़ दो उसको Genesis मतलब क्या होता है किसी भी चीज का बिगिनिंग फॉर्मेशन ठीक है हो रहा है चीज़ का यहाँ पे जो है गेमीस बन रहे हैं सो यहाँ पे क्या हो रहा है गेमीस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यू नो वट गेमी वॉट सेल्स इनको जर्म सेल्स भी बोलते हैं ठीक है ठेके?

उट दल गलमीट कौन होगा भाई अपना एग होगा एग को क्या बोलते हैं है फिर उप है, so बोलेंगे इसको ठीक है और आपको पता है दीज आर सेल्स ये जिसफॉर्म है दिस इज अल जो एग है दिस इज अल एंड दार्जेस्ट सेल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग

और इसके पास भी फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम है अब ये दोनों साथ में आएंगे क्या बना देंगे, 92 46 46 92 बना देंगे double, double अपन वो नहीं वी डेफिनेटली डू नॉट वांट दैट तो इसका कुछ तो तरीका होगा कम करने का राइट वी हैव दैट वी हैव दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज वॉट हाँ यहाँ पहुंच गया बताओ इसको क्या बोलते हैं देर इज रिड्यूस करने के लिए वी हैव रिडक्शनल डिविजन क्या है रिडक्शनल डिविजन जिसको क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन इज ऑल्सो नोन एज मीओसिस क्या बोलते हैं बच्चा इसको मीओसिस भी बोलते हैं तो जो स्पर्म सेल है और एक सेल है जो गेमीट्स है बच्चा दे अंडरगो सिर्फ और सिर्फ गेमीट्स जो है ठीक है यहाँ वो भी लिख देते हैं गेमीट्स ठीक है स्टार बना देते हैं ठीक है ये मीन गो वॉट मियॉसिस या फिर मियोटिक डिविशन ठीक है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे उनको रिड्यूस करना है नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो जहां पे 46 नंबर ऑफ सिक्सोम था उसको जस्ट हाफ लेके आना दैट इज 23 नंबर ऑफ क्रमोजोम ठीक है वैसे पैर में उनको लेके आना है एंड ये जो रहेगा अगर इधर 23 है और इधर भी 23 है तो ऑब्वियसली अब क्या होगा फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो आ जाएगा ठीक है फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो फिर अपन को मिल जाएगा सो क्या दिस थिंग

स्पर्मैटोजेनेसिस ठीक है दिस इज व्हाट दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ठीक है इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं स्पोमेटोजेनेसिस अब अब अगर एग के फॉर्मेशन के बारे में बात करें या फिर ओसाइट के फॉर्मेशन के बारे में बात करें व्हाट इज दिस नोन एज दिस विल बी नोन एज ओजेनेसिस ठीक है क्या बोलेंगे इसको बच्चा अच्छा नाम है ना ओजेनेसिस एकदम ओ जेनेसिस, ठीक है हो 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 गया गया, गया, गया और क्या हो गया? हो गया. तो को क्या, मिल अब को मिल और मिल अब क्या तो अपन अपन को को मिल मिल अब, अब दोनों मेल और फीमेल गिमेज मिल गया अब क्या है नेक्स्ट स्टेप तो फर्स्ट स्टेप अपना जो है क्लियर है तो टिक मारते जाऊं यहां पे, टिक ठीक है अब क्या है इनसेमिनेशन होगा इनसेमिनेशन मतलब क्या होता है बच्चा दिस इज द फीमेल रिपोडक्टिव सिस्टम यह क्या है आपका फीमेल रिपोडक्टिव सिस्टम है जिसके बारे में आप पढ़ोगे एकदम अभी डरोमत ठीक so है सो दिस रीजन इज नोन ओविडक्ट इसको बोलते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ठीक है फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं दिस इज यूट्रिस यहाँ पे आपका सर्विक्स है यहाँ पे जाना है देर आर डो डिफरेंट ओपनिंग ओपनिंग होता है कहाँ के लिए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए तो भाई आपका जो sperm है, स्पर्म है ठीक है स्पम क्या है मिल गे मीट है स्पर्म

So we can write we can write it as what? Transfer of the male gamete into the female reproductive part. That is known as what? Insemination. And this is something that I am going out of the box. नेचुरली नहीं हो रहा है ठीक है कई कई जगह वी सी दैट पीपल टेक वॉट एसिस्टिक रिप्रोडक्टिव मैथड्स जहाँ पे क्या है बच्चे जो है नेचुरली नहीं हो रहे तो क्या होता है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है वो एक वोट से सीरेंज लेते हैं और फिर सीरेंज uh, नहीं ऑबियसली नॉट सरेंज दे टूल विद द हेल्प ऑफ विच द इनसर्ट दम इन साइड द फीमेल रिपोडक्टिव ट्राट हो सकता है कि जो स्पोम है उसकी मोर्टिलिटी कम हो ठीक है स्पोम जो है उसकी मोर्टिलिटी कम हो सकती है स्पोम का काम क्या है भाई ऐसे मूव करके जाना राइट हो तो सकता है उसकी मोटिलिटी कम हो या फिर कुछ और रीजन हो कि वो मूव नहीं कर पाता वहां तक पहुंच नहीं पाता दैट इज वाई वी टेक द हेल्प ऑफ वट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सो दट इज अ डिफरेंट थिंग आपको अच्छी तरीके याद होने के लिए आई ट्राई टू टेल दैट

And female gamete is known as what? Fertilization. ठीक है इसको बोलते हैं बच्चा fertilization. और ह्यूमन में क्या आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखेगा या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखेगा

फर्टिलाइजेशन ठीक है इतना याद रहेगा दिस इज थर्ड स्टेप यहाँ पे आपको जस्ट जोटी छूटी से बताया जा रहा है ठीक है डोंट वरी कि भाई इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे नहीं पढ़ना अपन को डिटेल में अपन ग्रेजलिस इसके बारे में पढ़ेंगे तो अपन ने तीसरा स्टेप जो है वो भी क्लियर कर दिया है जल्दी से टिक मार देते हैं जो आपको दिख नहीं रहा है मैंने टिक मार दिया है वैसे फर्टिलाइजेशन भी खत्म हुआ तो भाई मेल के मिट फीमेल के मिट आया

Sperm will fuse to give what zygote. A zygote kaisa hoga bachcha It will be single cell. ek cell से बनाऊँगी. This is a normal confusion that people have. It is just a single cell. theek hai So it is what single cell. isko ek aur cheez bolte hai Zygote is also known as what fertilized egg. जो अपना एक था वो क्या है? Fertilized हो गया ना. So it is known as what? और वही जो है zygote बनाता है तो it is known as fertilized egg.

और बीच में आपको काफी रीजन मिलेगा इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं बच्चा ब्लास्टोसील ठीक है ये आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है अंदर थोड़े सेल्स रहते हैं और बाहर थोड़े सेल्स रहते हैं अंदर की जो सेल रहते हैं इसको कुछ बोलते हैं इनर सेल मास बोलते हैं और ये जो सेल्स है आगे जाके आपका जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा ठीक है और बाहर की जो सेल है वो जो है वो प्लासेंटा बनाएगा जो जो क्या है वो ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेगा ठीक है बाहर का जो सेल है वो क्या प्रोवाइड करेगा नरेशम प्रोवाइड करेगा अंदर जो है अंदर की जो सेल्स है वो मिलकर क्या बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म तो है से बनेगा. अगर इसको मिटा देंगे फिर आप दिस आप, तो से बनेगा बच्चा एम्ब्रियो ठीक है डिफरेंट डिफरेंट सीरियस रहता है से क्या बनेगा फीटस ठीक है फिर बाहर ठीक है ठीक है सो ये जो प्रोसेस है जहां पे जो है ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बन गया ना ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही स्टेज आ गया अब देखो यहां से बनते बनते आ रहा है ऐसा तो नहीं है कि यहां से आता है फर्टिलाइजेशन उसके बाद क्या डिवीजन होते जाता है, है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आता है और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आने पर क्या होता है वो धीरे धीरे जो है ये आपका यूट्रस है क्या है बच्चा यूट्रस है किसका यूट्रस है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पर्टिकुलर पोर्शन है यूट्रस ठीक है फैलोपिन ट्यूब जो है भाई एक यूट्रस से अटैच है ठीक है यूट्रस से अटैच है यूट्रस में क्या होता है बच्चा जो है वो डेवलप होता है ठीक है यूट्रस में बच्चा डेवलप होता है यूरनरी ब्लैडर इज अ डिफरेंट थिंग यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग यूट्रस इज वेयर द चाइल्ड डेवलप्स या फिर द एम्ब्रियो डेवलप्स ओके तो यहाँ पे आपको ये इसका जो यूट्रस है उसके एक साइड में क्या है ये भाई ब्लास्टोसिस्ट आंट हो जाता है आके रुक जाता है ठीक है धीरे से जो है वहां जाके अरेंज होता है दैट इज वॉट यू मीन बाई इम प्लांटेशन क्या बोलते हो उसको इम प्लांटेशन तो कौन से स्टेज में आएगा ब्लास्टोस्ट स्टेज में आएगा ठीक है कैन आई राइट इट डाउन हिस्टोस्ट स्टेज में ब्लास्टोस्ट स्टेज में इम प्लांट होगा कहा इम्प्लांटेशन ऑफ एमरियो इन यूट्रीन वॉल ठीक है यूट्रस के वॉल पे क्या है इम्प्लांट हो जाएगा फिर वहां से फिर आगे वो ग्रो करेगा ठीक है कभी कभार क्या होता है भाई

ये प्रोसेस क्या है दिस इज इम्प्लांटेशन दिस इज इम्प्लांटेशन और ये ब्लास्टोसिस स्टेज में हो रहा है एम्ब्रियो के ब्लास्टोसिस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा ठीक है पीछे चलते हैं वापस से इम्प्लांटेशन <coughs> भी हो गया है गेमिटोजेनेसिस मतलब गेमिट का फॉर्मेशन इनसेमिनेशन मतलब स्पर्म hmm, जा रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन मतलब

एम्ब्रियो वो धीरे 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 डेवलप होते जाएगा हाथ पैर मुंह सब कुछ आएगा इसको बोलते हैं जस्टेशन पीरियड जहाँ जो है जो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है दैट इज वॉट यू मीन बाई जस्टेशन ठीक है इस चीज को बोलते हैं बच्चा जस्टेशन ठीक है अब क्या होगा जस्टेशन हो गया और ये जस्टेशन कहा होता है मदर का वूम जब बोलते हैं डू यू मीन बाय मदर्स वूम यू मीन यू बच्चा डेवलपमेंट okay? ओके बाद क्या है जस्टेशन हो गया पीरियड खत्म हो गया इतना इतना महीना रहा नौ महीने के बाद क्या होगा ऑब्वियसली बेबी जो है डेवलप होगा और बाहर निकलेगा तो ये वाला जो प्रोसेस है

आउट ऑफ बॉडी थ्रू विज़ाइना ठीक है दट इज व्हाट यू मीन बाय फॉर ठीक है तो अपन ने ऑलमोस्ट सारे जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया डिलीवरी जो है खत्म कर दिया है नाउ लेट मी टेल सी पॉइंट्स अबाउट व्हाट

ठीक है फर्टिलाइजेशन कहा हो रहा है इंटरनली बॉडी के अंदर ही हो रहा है एंड द एम्ब्रियो फॉर्म्स द फॉर्मॉड फॉर्म होता है एम्ब्रियो फॉर्म होता है फिर फीटस जो है वो फिर निकलता है बॉडी के बाहर ठीक है दैट इज वॉट यू मीन बाई विवी पैरिटी ठीक है वो होता है ऑर्गेनिज्म में यहाँ आपको एग का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा यहाँ अंडा नहीं है ठीक है डायरेक्टली वॉट इज हैपनिंग द द एग एंड 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 स्पर्म इज इज मीटिंग हैपनिंग

प्लीज एडजस्ट ये क्या है अपना हस्ता खुश हुआ डक है ठीक है डक इन सब में क्या होता है कि जो मेल गिमिट है भाई इसके पास क्या इसके इसके पास क्या है इसके पास फीमेल लिमिट है ठीक है एंड नाउ एक मेल आया उसने क्या करा फ्यूजन करा फर्टिलाइजेशन करा और क्या है इसने अपना स्पर्म जो है यहाँ रख दिया यहाँ पे क्या है फ्यूजन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन में लॉकर नाउ क्या होगा अब क्या होगा जो एग है वो बन जाएगा देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वॉट एग अब जो है इधर एग बन जाएगा ठीक है टोटल में क्या है देर इज वॉट वन बिग एग अंडा अब ये धीरे से क्या है कि अंडा दे देगा अब ये अंडे के अंदर क्या है ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ठीक है जो फर्टिलाइज जाएगी वो डेवलप होना ऐसा शुरू नहीं हुआ है इट इज स्टक देयर बाहर आने के बाद जब जब डक है उस पर बैठेगी सारा इंक्यूबेशन सब सा प्रोवाइड करेगी तो क्या हुआ जो वो डेवलप होगा जिसको सारे कंडीशन जब मिल जाएंगे इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड इट विल अगर ऐसा हुआ तो क्या है नया एक छोटा सा डक जो है डकलिंग जो है वो हैच आउट होगा सेम सेम केस केस इज हैन राइट right? पे भी ऐसा ही है आपने देखा होगा आप उठा के खा लेते हैं। तो कभी चिक पर नहीं बच्चा नहीं बनाएंगे ठीक है उनको अगर सारे तो वैसे वैसे आउट हो जाएंगे डिफरेंट थिंग ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है द एग इट इज फॉर्मिंग इनसाइड वॉट द एग इट इज फॉर्मिंग एग फॉर्मेशन हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली हो रहा है ठीक है दैट इज वॉट इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद इट इज फॉर्मिंग एन एग एक शेल बना रहा है और वो शेल जो है वो फिर वो शेल वाला जो एग है फर्टिलाइज एग है उसको ले कर रहा है ठेके? ले कर रहा है so, animals, आपके जो चिक है, न, sorry, है, है, न, है ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे अब नाउ इफ यू टॉक वट ओवो पैरिस एनिमल्स मतलब क्या है आप इसको याद कर सकते हैं ओ क्या है राइट इट लुक्स लाइक एन एग सो दैट इज वाई दैट्स में ओवी पैरिस में क्या है सॉरी ओवी पैरस में क्या है अंडे रहते हैं नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओवोविवे पैरस ऑर्गैंसंस उसमें क्या रहेगा भाई आपको नाम समझ में आ रहा है कि भाई इनके पास दोनों कैरेक्टर कुछ होगा राइट ये कौन दिखाता है बच्चा ये दिखाते हैं ये कौन है यस अगर आपने गेस किया तो ये है अपने स्नेक भाई साहब ठीक है ये है अपने स्नेक

इनसाइड दॉडी और क्या है नया जो ऑर्गेनिज्म है फिर वो बाहर निकलेगा तो वीवी -वी पैरिस ऑर्गेनिज्म में क्या है फुली डेवलप ऑर्गेनिजम जो है बाहर निकल रहा है ठीक है अंडा नहीं बन रहा है ठीक है यहाँ पे क्या है वो वीवी -वी पैरिस में क्या अंडा बन भी रहा है फुलिस ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर भी निकल रहा है दैट इज वाई वी से ओ वो वीवी पैरिस की स्नेक इन सब में दिखता है ओवी पैरिस का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन हो रहा है और अंडा जो है वो बन रहा है अंडा जो है बाहर बार हाँ, आएगा फिर उसको अगर करेक्ट प्रोवाइड करे तो हैच आउट होगा ठीक है डेवलपमेंट आगे बढ़ने के बाद वीवी पैरस में क्या है कोई अंडा अंडा नहीं बन रहा है डायरेक्टली मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जो बच्चा फ्यूज कर रहा है और एक नया एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना रहा है और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर आता है ठीक है और अपन किस कैटेगरी में आता है वी कम अंडर वीवी पैरस कैटेगरी वी कम अंडर द लास्ट कैटेगरी ठीक है सो इतना सब कुछ आपको बताना था आई होप वी हैव कवर्ड और एक और चीज मेल का जो स्पर्म रिलीज करने की जो क्षमता है इट कैन ग्रो फॉर लाइफ लॉन्ग ठीक है क्या है लाइफ लॉन्ग तक रह सकता है बट इन द केस ऑफ फीमेल्स जो एग रिलीज करने का जो पावर है उसके पास उनके पास जो सुपर पावर है भाई वो काफी लिमिटेड है एक एज के बाद इट नॉट हैपन फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ फोर्टी फाइव फिफ्टी इट स्टॉप्स क्या है फोर्टी फाइव फिफ्टी में इनका जो एग रिलीज करने का जो पावर है भाई वो स्टॉप हो जाता है दिस ऑल्सो यू लर्न इन अ बेटर मैनर ठीक है अभी तो एकदम मजाक मजाक में पढ़ रहे अपन डोंट वरी अबाउट दैट

There are remarkable differences between the reproductive events in male and the female for example, sperm formation continues even in the old men I told you right but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Why you will get to get to know that really really soon when we deal with female reproductive system right So that's all that's all for today in the next session up in, hopefully in one shot, we'll complete what the male reproductive system. So I believe that you have understood everything that I have taught and stay motivated by and always keep learning. If at all you like this video, do not forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Take care.